गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। इसमें मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने पॉन्ड्स बीबी क्रीम से ही अपना मेकअप करा है। तो अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है, अगर आप फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बीबी क्रीम से भी बहुत बढ़िया सा मेकअप कर सकते हो किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन के लिए। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन हिट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है, ये गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज़ करता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, इसे लेके लगा लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ NYBA की प्राइमर यूज़ की है। प्राइमर गाइस आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, तो आप उसे भी लेके लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है और इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे। इसे एज ए मैंने आई कंसीलर भी लगाया है, कंसीलर की तरह से भी लगा लेंगे हम, ताकि हमें ऊपर से कंसीलर लगाने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत ज़्यादा हमारा मेकअप जो है बहुत ज़्यादा हेवी भी ना लगे और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना दिखे। सो अच्छे से इसे लेके और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप फाउंडेशन कैसे लगाते हैं या फिर बीबी क्रीम कैसे लगाते हैं ये जानना चाहते हैं, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYBA की आईब्रो पेंसिल ली है, काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल है और अंडर 100 में अगर आपको कोई अच्छी सी आईब्रो पेंसिल मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहता है ये आईब्रो पेंसिल। और डेफिनेटली आप लोग कहीं भी जाने से पहले अपने आईब्रोज़ को ज़रूर फिल करें, ये आपके लुक को बिल्कुल चेंज कर देगा। अगर आप कितना भी अच्छा मेकअप करते हो आईब्रोज़ फिल नहीं करते हो तो आपका मेकअप जो है वो अधूरा सा दिखेगा। सो आप आईब्रोज़ ज़रूर फिल करें। और नेक्स्ट मैंने अपना कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, ये भी NYBA का ही कॉम्पैक्ट है और मैंने इसे इतना यूज़ किया है कि इसका प्रिंट जो है वो भी उड़ गया है। तो इसे ब्रश की हेल्प से लेके अच्छे से लगा लेंगे जहाँ भी मैंने बीबी क्रीम लगाई है, ताकि मेरा मेकअप स्वेट प्रूफ हो जाए। नेक्स्ट मैंने ये SFR का आई शेडो पैलेट लिया है, इस पर जो ऑरेंज सा शेड है उसे लेके अपने क्रीज लाइन पे हल्के से लगाएंगे, ताकि हमारा जो ट्रांजिशन शेड है वो लग जाए। क्रीज लाइन पे बहुत हल्के से ही लगाएंगे और दोनों आईज़ पे लगा के अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो हमारा आई शेडो का लुक है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा आई शेडो कहीं ना दिखे, बहुत कम भी ना दिखे। नेक्स्ट मैंने ये मरून सा शेड लिया है, इसे अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, आउटर कॉर्नर पे ही ज़्यादा फोकस करते हुए लगाएंगे। सो अगर आप भी किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस टाइप का मेकअप आप ट्राई कर सकते हैं। आउटर कॉर्नर पे लगाते हुए अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि कहीं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आई शेडो ना दिखे। सो इसे लेके लगा लेंगे। और नेक्स्ट मुझे ये गोल्डन सा शेड लगाना है, उसके लिए मैंने ब्रश को वेट किया है, ताकि जो गोल्डन शेड है वो अच्छे से पिक हो। और गोल्डन शेड के लिए मैंने जो हाइलाइटर यूज़ करती हूँ मैं, वो उसे ही लिया है, गोल्डन शेड वही मेरा होगा। और उसे लेके अच्छे से अपने आईलेट पर लगाएंगे और उसके बाद उसे ब्लेंड भी कर लेंगे, ताकि जो अच्छा सा मेकअप लुक है वो बन जाए। और आप बिना पार्लर गए भी घर पे भी बैठे अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से मेकअप अगर हमेशा अपना मेकअप करते हो तो डेफिनेटली आप अपना बिना पार्लर गए भी शादी पार्टी में मेकअप कर सकते हो, क्योंकि हमेशा पार्लर जाके मेकअप करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली आप ये सब मेकअप ट्रिक ट्राई कर सकते हो एक बार और लेके इसे लगा लेंगे। देखिए मेरी आईज़ जो है वो गोल्डन गोल्डन हो गई। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपना आईलाइनर लगाया है, ये NYBA का ही आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, लिक्विड लाइनर है, जैसे हमारा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे वो L18 का जो लाइनर आता था लिक्विड इंस्टा लाइनर, उसी टाइप का NYBA ने भी लॉन्च किया है, काफ़ी अफोर्डेबल है। सो अगर आप बिगिनर हो या फिर आप हमेशा लाइनर नहीं लगाते हो तो डेफिनेटली इस टाइप का लाइनर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया होता है ये लाइनर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मे की ये मैंने मार्लिन का ये यूज़ किया है मस्कारा। मस्कारा आप कभी भी स्किप ना करें, मस्कारा लगाओगे तो आपकी आईज़ जो लुक है वो बहुत 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 बढ़िया हो जाएगी। तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स जो है मैंने अंडर 200 रुपीज़ में ही अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किया है। और मैंने NYBA की काजल यूज़ की है, ये 60 रुपीज़ में आ जाता है और 60 रुपीज़ में आपको इजीली काजल मिल जाएगा और स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ भी है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ ब्लू हेवन की ब्लश ली है, ये 150 तक आपको मिल जाएगा। ब्लश आप कभी भी बहुत हल्के से लगाएं, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें, ताकि वो आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और आपका चीक्स जो है वो नेचुरल लुक में पिंक लगे, बहुत ज़्यादा ऊपर से ही पिंकी पिंक ना दिखे कि आपने बहुत ओवर सा चीक्स अपने चीक्स को पिंक कर रखा है। सो इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड भी कर लेंगे। और नेक्स्ट मैंने अपना हाइलाइटर लगाया, ये स्विस ब्यूटी का, ये भी 200 तक आपको मिल जाएगा। मैंने इसे इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज़ किया था। सो इसे लेके अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो भी है उसे हाईलाइट कर लेंगे।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही मैंने गिव अवे रखा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना और बेल आइकन को एक बार हिट कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर देना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ की है और NYB की मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये पिंक सा है लिपस्टिक, इसका शेड बहुत ही प्रिटी है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अगर आप मरून और रेड शेड से भागते हो, दूर रहते हो, तो इस टाइप का शेड काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे। ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, काफ़ी अच्छा है, ये भी मेकअप फिक्स हो जाता है इससे। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को कर देना लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर लेना।